मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के सैकड़ों किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने सोयाबीन की फसल का उचित मुआवजा और बीमा राशि देने की सरकार से मांग की है। जिला कलेक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस को सख्त लहजे से कहा कि अपराधों पर जल्द से जल्द रोकथाम लगाई जाए, वरना विदिशा जिला बर्बाद हो जाएगा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ये इल्लियां और लग रही है, किसान दवाई डाल डाल के परेशान है। वैसे ही कर्जा माफ नहीं किया तो डिफॉल्टर हो गया, तो नगद खाद और बीज खरीद खरीद के फसल बोई थी, अब वो फसल बर्बाद हो गई है और ये किसान तबाही के कगार पे खड़ा है। हाथ तो हटाओ, किसका है? मेरा है। हमारी मांग है आईडी बात रखिए कि तत्काल पूरे विदिशा जिले में बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, विदिशा, शमशाबाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर सर्वे करवाया जाए और सर्वे भी ज्वाइंट टीम से करवाया जाए, राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग के कर्मचारियों से, और जो नुकसान है उसका आकलन करके उसकी पूरी सूची लटकाई जाए पंचायत भवन पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।